चिल्ड्रेन, देखिए आज हम लोग स्विच केसेस के बारे में पढ़ेंगे. स्विच केस स्टेटमेंट. स्विच केस स्टेटमेंट में क्या है? द कंट्रोल स्टेटमेंट विच अलाउज डिसीजन. डिसीजन लेने काम करता है. दैट मीन्स फ्रॉम द नंबर चूज चॉइसेस. जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं और रेस्टोरेंट में आपने कहा मुझे डोसा खाना है, मुझे इडली खाना है, तो आपने इस तरीके से बनाना है स्विच केस के प्रोग्रामिंग को कि अगर आपने प्रेस वन किया तो डोसा चला है, प्रेस टू किया तो इडली चला है, प्लस थ्री किया तो चौमीन चलाए. इस तरीके से हम लोग स्विच केस में करते हैं. तो इसका सिंटैक्स देख लीजिए. सबसे पहले इसका सिंटैक्स, इसमें क्या होता है स्विच केसेस में, ये और भी चीज़ें हैं. द नंबर ऑफ चॉइसेस होती है, इसको स्विच कहते हैं कि स्विच करके दूसरी चॉइस पे वो चला जाए. ठीक है. और विद द हेल्प ऑफ द स्विच एंड केस स्टेटमेंट वी मे चूज एनी नंबर डिसीजन फॉर करेक्टली स्विच के डिफॉल्ट. सिंस द कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन है ऑफ द थ्री कीवर्ड्स गो टुगेदर टू मेक द कंट्रोल स्टेटमेंट. ये सब क्या बनाएंगे? कंट्रोल स्टेटमेंट को. इसका सिंटैक्स देखिए. स्विच आपने लिखा स्मॉल लेटर्स से, स्विच चिल्ड्रन. एक्सप्रेशन केस वन कोलन. यहाँ पे कोलन होगा, नॉट सेमी कोलन. केस फर्स्ट में फिर स्टेटमेंट. यहाँ हमने लिख दिया, मान लीजिए स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट फर्स्ट डाल दिया. स्टेटमेंट टू सेकंड स्टेटमेंट में मान लीजिए आपको डालना है. यहाँ पे सेमी कॉलन लगेगा, ध्यान रखिएगा. यहाँ कोलन लगेगा. कोलन और सेमी कॉलन में डिफरेंस ध्यान रखिएगा. स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री, स्टेटमेंट थ्री, ये भी कॉलन लग गया. फिर केस टू. ये केस वन हो गया, देन आफ्टर यू राइट केस टू कोलन. स्टेटमेंट वन, फिर अगेन स्टेटमेंट टू. इस तरीके का आपको जितनी स्टेटमेंट्स लिखनी है लिख दीजिए. स्टेटमेंट टू, देन स्टेटमेंट थ्री, स्टेटमेंट थ्री. फिर आपने ये दो लिखा सेम एज केस थ्री भी हमने कर दिया. मान लीजिए केस थ्री, अगेन यू राइट स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री. फिर देन आफ्टर यू राइट डिफॉल्ट. ये इसका सिर्फ सिंटैक्स है कि किस तरीके से किया जाता है. डिफॉल्ट में भी आपने मान लीजिए लिखा स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू. इसको जब आप करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा प्रोग्राम. जब आप स्कूल आएंगे तो इस प्रोग्राम को हम आपको करके दिखाएंगे. स्टेटमेंट थ्री. ठीक है. तो ये क्या है कि डिफॉल्ट में लिख दिया. द स्विच स्टेटमेंट चेक करता है वेदर द एक्सप्रेशन ऑफ द मैचेस विद नॉट ऑन एंड द कैरेक्टर कॉन्स्टेंट. इज दैट क्लियर? दिस इज द सिंटैक्स. अगर सिंटैक्स पूछा जाएगा तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा. अब इस पर एक हम प्रोग्राम एक्सप्लेन करते हैं आपको. This is the example. Write a program to input the two numbers and calculate the sum, difference, multiplication, division and modulus of the given numbers. तो हमें सब में एक ही प्रोग्राम बनाना है, उसमें सब कुछ करना है. ठीक है. तो क्या लिखा है? Include sdu.h colon dot void main int a comma b and comma ch. ch means choice. ये हमने पहले से consider कर लिया है. अब क्या है? प्रिंट एफ, इंटर टू नंबर्स. दो नंबर्स एंटर कराने हैं. परसेंटाइल डी एम परसेंट ए, एम परसेंट ए. तो फर्स्ट इज एडिशन, सेकंड इज डिफरेंस, थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ इज इंट्रोड्यूस दैट डिवीजन एंड फिफ्थ इज इंट्रोड्यूस दैट मॉडुलस. अब आपकी चॉइस है, आप कौन सी चॉइस डालना चाहते हैं. चॉइस आपने सी एच कंसिडर की है, तो सी एच आपने एंटर करवाई है. स्विच चॉइस वन, चॉइस वन सी एच में केस वन. प्रिंट केस और वन के बीच में ध्यान रखिएगा स्पेस होता है. प्रिंट एफ में द एडिशन ऑफ ए एंड बी इज परसेंटाइल डी, दिस इज कॉमा ए प्लस बी. ब्रेक कर दिया, मतलब पहला वाला स्टॉप हो गया, इसलिए ब्रेक कर दिया. यहाँ कोलन लगता है, यहाँ सेमी कॉलन, यहाँ सेमी कॉलन. सेम एज डिफरेंस स्विच द केस टू. प्रिंट एफ इज इक्वल, प्रिंट एफ में द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज परसेंटाइल डी और ए माइनस बी और सेमी कॉलन और ब्रेक लगा के फिर सेमी कॉलन.
फिर क्या है केस थ्री, फिर यहाँ कोलन, दिस इज कोलन चिल्ड्रेन, ठीक है कोलन, यहाँ पे के इन दोनों के बीच में स्पेस होता है, केस प्रिंट एफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी इज परसेंटाइल डी ए इन टू बी सेमी कॉलन, ब्रेक केस फोर, फिर यहाँ अगेन हमने कोलन लगा दिया, प्रिंट एफ द डिवीजन ऑफ ए एंड बी इज परसेंटाइल डी ए अपॉन बी और यहाँ सेमी कॉलन, दिस इज ब्रेक, केस फाइव प्रिंट एफ द मॉडुलस ऑफ ए एंड बी इज परसेंटाइल डी कॉमा ए परसेंटाइल बी, इसमें क्या दिखाएगा रिमाइंडर, दिस शोज द रिमाइंडर और सेमी कॉलन ब्रेक, फिर देन डिफॉल्ट लगता है, हमने इसका सिंटैक्स बताया, डिफॉल्ट डिफॉल्ट प्रिंट एफ है, अगर आपने इसके अलावा सिक्स नंबर डाला, सेवन नंबर डाला, कुछ भी डाला, देन दिस इज दिस प्रिंट रॉन्ग चॉइस, ये क्या प्रिंट करेगा रॉन्ग चॉइस। देखिए ये हमने क्लोज किया, देखिए ये हमने स्विच के स्विच ओपन किया, स्विच को क्लोज किया, देन आफ्टर गेट सी एच के बाद हमने ये मेन क्लोज कर दिया, इज दैट क्लियर। इसका आउटपुट क्या है, एंटर टू नंबर्स 5, 2, 5 and 2 हो गया, एडिशन आपके पहले प्रिंट करके दिखाया गया, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, आपने चॉइसेस बताई, तो आपने चॉइस डाली टू, टू मीन्स डिफरेंस, 5 - 2 क्या आ गया 3 आ गया, इज दैट क्लियर, आई होप कि क्लियर हुआ होगा, है ना, ये देख लीजिए आप लोग पूरा ये अपना प्रोग्राम, ठीक है चलिए इसको अच्छे समझिए, और नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए, ओके थैंक यू।